अरे मोदी की दवाएंगे, मोदी की जिन्ना मौज कर रखी। कौन है मोदी का उम्मीदवार, कौन है कैराना से? देख नूने मन बेरा नहीं, कुछ कुछ कहा गया अरे बेटा, कोई कौन है बता दो ना, जो कोई अच्छा उसी की देगी दुनिया। आप भी बोलेंगे कुछ? हमारे हाई क्षेत्र की एक राजा नई लड़की है जी। और लगता है कि अच्छा भी काम करेगी। अच्छा, हाँ, तो इसलिए लोग बाग सोच रहे देहात में भी कि भाई इसको वोट करते हैं जी। जी हाँ जी, यही लग रहा है बस। एक राजन आपको लग रही मजबूत है? हाँ जी, फिलहाल भी है। मोदी के देंगे बाप, मोदी की वोट देंगे आप? हाँ। तो मोदी के कोई उम्मीदवार तो होंगे, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी के कोई उम्मीदवार उनको पता हो कौन से प्रत्याशी हैं? और हमने पता नहीं। तो मोदी की पार्टी का निशान क्या है? मुझे क्या पता क्या है निशान, निशान का भी नहीं पता क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुल मिलाकर 7 चरणों में ये पूरा चुनाव होना है। पहले चरण की शुरुआत जो है 19 अप्रैल से हो रही है और पहले चरण में कुल मिलाकर 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है और लगभग जो है चुनाव प्रचार प्रसार ख़त्म हो चुका है। अब कुछ ही घंटे हैं और उसके बाद में वोटिंग होनी है। और इस वक्त हम पश्चिमी यूपी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर ये सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, यानी कि कैराना लोकसभा सीट। कैराना लोकसभा सीट क्यों सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, इस सवाल की तह में भी हम जाएंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि इस पूरे इलाके को जाटलैंड का इलाका कहा जाता है, इस पूरे इलाके को किसानों का इलाका कहा जाता है और इस पूरे इलाके को चौधरी चरण सिंह के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। और इस वक्त हम यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं एक बस में जो कैराना से शामली जा रही है। और इस बस में अलग अलग मिजाज के, अलग अलग पार्टियों के समर्थक या कार्यकर्ता यकीनन बैठे ज़रूर होंगे। उनकी राय शुमारी भी आपके सामने आएगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार उनकी नज़र में इस बार कैराना लोकसभा सीट से ज़्यादा मजबूत है और कौन सा कमज़ोर है, कौन सी सियासी पार्टी जो है इस बार अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो शुरुआत करेंगे इस बस के ड्राइवर के साथ ही और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि कैराना लोकसभा सीट जो है क्यों सबसे ज़्यादा अहम मानी जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत है। जी सर, मैं सबसे पहले तो नाम जानना चाहूँगा आपसे, आपका नाम क्या है? नाम राजू है जी। राजू जी, ये बस जा रही है कैराना से शामली, आप ड्राइवर हैं बस के और हम इस बस में सफ़र कर रहे हैं अलग अलग इलाकों से, अलग अलग गांवों से और इस लोकसभा क्षेत्र के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सफर में बस में सफ़र कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत है उनकी नज़र में। आप क्या समझते हैं, आपकी के हिसाब से अब तक आप देख रहे हैं, यात्रियों से बातचीत भी कर रहे हैं? प्रदीप जी कैराना। प्रदीप जी, हरिओम मैडम की लड़की इकरा हसन। इकरा हसन, यही दोनों की बराबर की टक्कर है, जो उनका जीतेगा उसे पब्लिक वोट देगी। अच्छा अच्छा, जिसकी जीत है उसे वोट देगी। लेकिन चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, अब तो कुछ घंटे ही बाकी हैं जब वोटिंग हो जानी है। हाँ जी, मतलब मिजाज तो बन चुका होगा ना अब तक? दोनों की डब है जी, बराबर। अच्छा, दोनों की बराबर की टक्कर ये कह रहे हैं? जोरदार जी। तो बीएसपी के उम्मीदवार भी है ना एक, वो राणा? नहीं उसका कुछ नहीं जी। जी उसका श्रीपाल राणा, उसका कुछ नहीं सर। अच्छा, उसकी रैली में भी गए थे हम, पर तो कुछ नहीं था। अच्छा, इनके दोनों की बराबर टक्कर सीधी सीधी प्रदीप चौधरी और इकरा हसन की आप मान रहे हैं? सर जी जी। तो ये ड्राइवर हैं इस बस के जो कैराना से शामली जा रही है, 10-12 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र है और इसमें हम जानने की कोशिश यही करेंगे यात्रियों से कि भाई कौन सा उम्मीदवार, कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत है। जी तो अम्मा आपसे जानना चाहूँगा मैं, आपका नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताएं। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी कुछ घंटे बाद जो है परसों चुनाव है, वोटिंग होनी है, कौन सा उम्मीदवार आपको लग रहा है ज्यादा मजबूत है? बेटे हमने कोई पता नहीं, हम तो गम हुआ नहीं। फिर भी आपकी वोट किसको जाने वाले, घर परिवार में बातचीत तो चलती होंगी? ना ना, हम भी ऐसी बातचीत सुनते, कोई बात ही नहीं होती है ना, हम सुनते ही नहीं, मानसो की बात। तो वोट आप करेंगे ही नहीं? नहीं वोट करेंगे जी। तो किसको करेंगे?
जिसकी करो कहेंगे उसी की दे। नहीं, फिर भी आप हंस भी रहे हैं, आप बताना भी चाह रहे हैं, बताओ कौन कौन मजबूत लग रहा है, किसकी टक्कर मानी जा रही है? नहीं, खामा खाई की ऊपर बता दे जी, सुनी नहीं। नहीं, फिर भी आपको लग रहा हो कि इनकी ये ज्यादा मजबूत है, इनकी टक्कर में ये उम्मीदवार है? ये मानस बतला कोई नहीं, नहीं, आपकी वोट अलग है, आप तो और जो महिलाएं हैं उनको अधिकार दिया, आधी आबादी आपकी, इन्हें मेरा होगा, इनके लोग बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाजी बतेरी, बतेरी बतेरिया जी। तो ये कैराना लोकसभा सीट जो है मानी जा रही है, बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्या आप मानते हैं कौन सा उम्मीदवार, कौन सा प्रत्याशी मजबूत है? हम तो सुधेंगे जी साइकिल पे। साइकिल पे इकरा हसन को वोट कर रहे हैं? तो वजह क्या है, इकरा हसन को जानते हैं आप या कोई खास ऐसी बात है उनमें जो नजर आ रही है कि ये इस इलाके का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे? हाँ जी जानते हैं जी, हम यही इकरा हसन को वोट कर रहे हैं जी। आप भी बताएंगे मैम? जी बताएं, आपका नाम क्या? जी मेरा नाम फरमान है। सलमान बताएं कौन से उम्मीदवार को आप पा रहे हैं कि ज्यादा मजबूत हैं इस चुनाव में, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही चुनाव होना है? जी हमारे यहाँ तो इकरा हसन उठ रही है। अच्छा, इकरा हसन को ही देंगे वो। कौन सी पार्टी के इकरा हसन? जी पार्टी में नहीं पता, बस उनका पता उठ रही है, पार्टी का नहीं पता? पता नहीं है। आपको पता है कौन सी पार्टी में? ना इकरा हसन कौन सी पार्टी में पता आपको? यही पता नहीं है आपको? पता जी पता ही नहीं भाई, हमें तो जहाँ कोई लगवाओ वहीं धर देंगे वोट, जिसके घर वाले बोलेंगे उसकी वोट करेंगे। हाँ, उम्मीदवार है जिसको वोट करना चाह रहे हैं भाई? हम तो जहाँ घर के लगाएंगे भाई हम दे देंगे वोट। फिर भी पता होगा कोई? पता ही नहीं, अभी तो फूल पे लगाएंगे, साइकिल पे लगाएंगे, हाथी पे लगाएंगे, पता ही नहीं भाई मुझे तो। नहीं पता कहाँ लगेगा जी। जाते जाते आप बता दीजिए कौन सा उम्मीदवार मजबूत है, इनके पूछिए। नहीं फिर भी बता दीजिए आखिर में, जा रहे हैं आप अभी उतर रहे हैं, बता दीजिए कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूत है? साइकिल। साइकिल पे कंडक्टर साहब आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन आखिर में पूछेंगे। हाँ जी आंटी जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा जी सलेलता। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बस जो है ये कैराना से शामली जा रही है और अलग अलग तरह के यात्री बैठे हुए हैं इस बस में। अरे मोदी की दबेंगे, मोदी की, जिन्हें मौज कर रखी। कौन है मोदी का उम्मीदवार, कौन है कैराना से? देख नू ने मन बेरा नहीं कुछ कुछ कहा गया था बेटा, कोई कौन है बता दो ना, जो कोई अच्छा उसी की देगी दुनिया। आप भी बोलेंगे कुछ? बोलेंगे कुछ? बताइए क्या नाम है? मारूफ। मारूफ मियां बताइए कौन सा उम्मीदवार आपको लग रहा है ज्यादा मजबूत है कैराना लोकसभा सीट पर? इस सीट से तो भैया इकरा हसन निकलेगी। कौन सी पार्टी के इकरा हसन? समाजवादी, इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन। क्यों आपको लग रहा है कि इकरा हसन ज्यादा मजबूत है प्रदीप के या शिवपाल राणा के मुकाबले? अब के वोट थोड़ा जनता जान गई है कि इस आधार पे वोट डालना, शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, तो अब के थोड़ा जनता खुल के वोट डालेगी ना, तो जान गई क्या सरकार क्या डेवलपमेंट करेगी या क्या करना चाहती है, क्या इसके आधार पे। तो क्या आप मानते हैं कोई ऐसा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आधार मानकर यहाँ पर वोटिंग करने जा रहे हैं आप? भैया यहाँ पे तो शामली एरिया में कोई बड़े कॉलेज ना है, कॉलेज के आधार पर जैसे तो पढ़ाई शिक्षा का आधार मोस्ट वेल, ये तो ये शिक्षा के आधार पर ही वोट डाला जाएगा, शिक्षा का आधार पर। आप भी बोलेंगे जी? क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज आलम। कहाँ जा रहे हैं आप? शामली। शामली जा रहे हैं, कैराना से आ रहे हैं जी। और अभी कुछ घंटे बाद जो है वोटिंग है, परसों दो दिन बचे हुए हैं लगभग, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, आपका प्रत्याशी कौन है? चौधरी इकरा हसन है जी। चौधरी इकरा हसन जी। पार्टी कौन सी है उनकी? जी समाजवादी कांग्रेस गठबंधन से। अच्छा गठबंधन से जी। तो क्यों आपको लग रहा है ऐसा कि इकरा हसन मजबूत है? देखो ये हमारे बड़े, हम सब उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं जी। नहीं, कोई ऐसी खूबी उनमें हो, कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से आप उनको वोट कर रहे हैं? देखो जी खूबी तो इंसान की दिखी जा रही, जब मेहनत हो रही उनकी जी, ये खूबी लगी जी। अच्छा, मेहनत है उनकी जी, मेहनत है इसलिए आप उनको वोट कर रहे हैं जी। आप भी कुछ बोलेंगे जी? आपका नाम क्या है जी? मेरे नाम से क्या लगा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप नाम मत बताएं आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप तो तजुर्बे का आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे। हम लोग दिल्ली से आए हैं और गांव देहात में हम इसीलिए आए हैं कि गांव देहात के वोटर का भी, मतदाता का भी पता लगे,
कि उनके दिलो दिमाग में, उनके मन में क्या है और लोकतंत्र को किस तरह से वो मजबूत करना जानते हैं, करना चाहते हैं। अब से कुछ घंटे बाद यहाँ पर चुनाव होना है और कैराना की जो सीट है, कैराना लोकसभा सीट, इसको बहुत हॉट सीट माना जा रहा है, बहुत अहम सीट माना जा रहा है। और अभी तक हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि प्रदीप चौधरी और इकरा हसन, इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में टक्कर मानी जा रही है। आपका ख्याल क्या है? देखो जी, जिसका नसीब है उनका वोट है तो मिलेगा तो उसी नहीं, वो सभी जमे अपना वोट मांगने तो गाँव में वोट मांगने जा रहे हैं। कौन सा उम्मीदवार आपको लग रहा है कि ज्यादा कारगर साबित हो सकता है इस पूरे क्षेत्र के लिए? देखो, हमारे यहाँ क्षेत्र की इकरा हसन नई लड़की है जी। और लगता है कि अच्छा भी काम करेगी। अच्छा, हाँ, तो इसलिए लोग बाग सोच रहे देहात में भी कि भाई इसको वोट करते हैं जी। हाँ, यही लग रहा है बस। इकरा हसन आपको लग रही मजबूत है? हाँ जी, फिलहाल तो है। अच्छा, हाँ जी। अम्मा आप भी बताएं, आपका नाम क्या है? शांति है बाबू। हाँ, मैं आपसे भी यही जानना चाह रहा हूँ, सब लोगों से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ जानने की, और आप महिला भी हैं और हमारी माँ के समान हैं, बड़ी बुजुर्ग आप हैं, क्या आप मानती हैं कि महिलाओं के मुद्दों को कोई अहमियत मिल पा रही है? कोई महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत कर रहा है? उनके भी अपने अलग मुद्दे हो सकते हैं, अलग विषय हो सकते हैं, उन पर बातचीत हुई है इस पूरे क्षेत्र में अब तक के लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान? कहूँ भाई, होइए जी, कहूँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन सी उम्मीदवार आपको लग रहे हैं, इकरा हसन मजबूत हैं, प्रदीप चौधरी मजबूत हैं या श्रीपाल राणा मजबूत हैं? मोदी के देंगे बाबू। मोदी की वोट देंगे आप? हाँ। तो मोदी के कोई उम्मीदवार तो होंगे, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी के कोई उम्मीदवार उनको पता हो कौन से प्रत्याशी हैं? और हमने पता नहीं बाबू। मोदी की पार्टी का निशान क्या है? मुझे क्या पता, क्या है निशान? निशान का भी नहीं पता क्या है? जी जी बताएं, आपका नाम क्या है? नीरज। हाँ, मैं बताइए, कैराना लोकसभा सीट को बहुत अहम माना जा रहा है, वजह पता नहीं क्या है, आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि इकरा हसन यहाँ पर मौजूद है, प्रदीप चौधरी हैं, श्रीपाल राणा मौजूद हैं बीएसपी के, कौन सी उम्मीदवार आपको ज्यादा मजबूत लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? बस भाई ने तो हमें पता नहीं, पर हमें अपना पता, हम मोदी के वोट देंगे और हमें पता नहीं मोदी को वोट हाँ। करेंगे, लेकिन मोदी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कौन से प्रत्याशी, ये नहीं पता? नहीं, बस हमें नहीं पता ही नहीं है प्रत्याशी कौन है, बस हमें नहीं पता भाई। तो उनका निशान क्या है पार्टी का, ये भी नहीं पता? मुझे कमल का फूल है उनका निशान। उम्मीदवार कौन है कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी के, मोदी की तरफ से? और मैं कुछ नहीं पता। उम्मीदवार का नहीं पता, निशान का पता है? कमल का फूल है। चलो, कमल का फूल है जी, बताएं। प्रदीप तो देंगे भाई। क्या नाम है? सोनू। हाँ, मैं ये बताइए कि कैराना लोकसभा में कौन मजबूत मान रहे हैं आप और क्यों? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी में कोई खास बात, कोई ऐसी बात? काम जी, क्या बात है? सारे काम करवा रहे हैं सारे, लेकिन भाई मोदी कुछ दिन पहले बीजेपी में, मोदी तो वोट देंगे। अच्छा, गैस फ्री कर दी उनने, सिलेंडर बांट दिए, दवा दवा फ्री करवा रहे लोगों से। अच्छा, ऑपरेशन फ्री करवा रहे लोगों के। अच्छा, सारे काम सही करवा रहे, मोदी तो वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी हो जी, यही कह रहे हैं मोदी जी। इलाज फ्री करवा रहे हैं उससे देंगे वोट, फिर और किसका देंगे? अरे 5-5 लाख के फिर वे इलाज फ्री करवा रहा। अच्छा, सिलेंडर सब ले गए, वोट कहीं बैग रहे, मोदी तो देंगे, मोदी को वोट देंगे। जी आप बताएं, आप किसको वोट कर रहे हैं? अभी सबसे कुछ घंटे बाद वोटिंग होनी है, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी। बता प्रदीप चौधरी का वोट देंगे जी। अच्छा, हाँ जी। पार्टी कौन सी है? है जी बीजेपी है। बीजेपी का गठबंधन भी है जयंत चौधरी से? हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, मजबूत मान रहे हैं प्रदीप चौधरी को? हाँ जी। आपकी वोट बनी हुई है? नहीं जी, मनी हुई ना हो, नहीं फिर भी नहीं मन नहीं रही जी, लेकिन आपका समर्थन आज ही समर्थन बीजेपी की तरफ है जी। आप बताएंगे सर? बीजेपी जी। तो प्रदीप चौधरी के लिए आप कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था आप सारी चीजों को, वो उस कंडीशन में कह रहे थे, वेनू कह रही थी कि कुछ मिला नहीं, तो मैंने उस कंडीशन में कहा मगर नु तो झूठ तो बोलो ना, मिला नहीं कुछ भी। आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख रुपए का है वो इनवॉल्व पॉपुलेशन को ओनली, मतलब ऐसा नहीं है कुछ हिंदू को कुछ मुसलमान को, और सारी जितनी योजना है सबको मिल रही। मेन कंडीशन क्या है, ओनली ऐसा नहीं है कि हिंदू को मिल रही मुसलमान को नहीं मिल रही, जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है तो वे गवर्नमेंट का राजा है, सभी को मिल रही है सबको, और गवर्नमेंट वही बढ़िया है जो सबको एक लेवल पर देखे। सच्चाई तो यही है, खाली बिरादरीवाद या
इज्जत दे ली वो बढ़िया बात नहीं है, ठीक है नी। और क्राइम की स्थिति देखो और बहुत चीजें ऐसी है, बात खाली उसकी नहीं है, मतलब सबके लिए बराबर है राजा, तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, खाली नहीं है, इसमें बिरादरी वाद है, कुछ नहीं है। लेकिन सर मैं ये अब से जब यहाँ आया नहीं था तो मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था इस पूरे इलाके के बारे में, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि ये पूरा इलाका जो है किसानों के इलाके के रूप में जाना जाता है, और जहां तक नजरें जाती हैं गन्ने ही गन्ने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एमएसपी को लेकर बहुत सारी जिद बहस हुई थी, बहस मोबाइल से हो रहे थे अब से पहले, और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी खुद किसानों के साथ सड़कों पर नजर आए थे, अब वो बीजेपी के साथ नजर आए, तो क्या इसका नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा? एक्चुअली क्या है, हमारी जो इधर बेल्ट है वो गन्ना बेल्ट है, टोटल जो गन्ना बेल्ट है, और वो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस को पहले इग्नोर कराई गया है। तो मेन बात है कुछ ये दो चार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है जिनका पेमेंट में गड़बड़ है, और बाकी जो 20-25 चीनी मिले जो इतनी भी चीनी मिले इन ऑल यूपी में है उनका पेमेंट देख लो। ये हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो चार चीनी मिल है जिनमें गड़बड़ हो रही, और कुछ नहीं है। और आरएलडी से जैसे गठबंधन हुआ तो उससे फायदा होगा, आरएलडी से फायदा होगा, बढ़िया फायदा। लेकिन मैं ये देख रहा था जो इक्वेशन है, समीकरण है कि 46% मुसलमानों की यहाँ आबादी है, जाट भी है, गुर्जर भी है, ब्राह्मण भी है, दलित वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा जो नक्सस है, इसको कैसे आप मिलाकर अपने पक्ष में कर पाएंगे? मैं मतलब एक्चुअलिटी क्या है कि जब तक ये समाज बिरादरीवाद में बटा रहेगा तो वो यही रहेगा, मैं गुज्जर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बढ़िया हूँ, हरिया मैं मुसलमान हूँ, तो ये बेड़ा करक का काम नहीं रहेगा। जब तक बिरादरीवाद खत्म नहीं होना तो ये तो सब उनके ठाकुर की लिखी मारे होंगे, सैनी मारेंगे, बढ़िया मारेंगे, पंडित मारे तो नहीं मारो जाएंगे। तो ये बिरादरीवाद का मेन मसला है, बिरादरीवाद जब तक बिरादरीवाद जातिवाद खत्म नहीं होना जब तक नहीं रहोगा समाज तरक्की नहीं करना कभी भी। जब भी इलेक्शन आवेंगे एक बिरादरीवाद में वोट गिरेगी, सच्चाई है ये, लोगों को कुछ लेना देना नहीं हो रहा, लोगों को सिर्फ जो है एक बिरादरीवाद के झंडे लगाओ फिर सिर में लोग बाग। तो इस इलाके में, इस क्षेत्र में सर कोई मुद्दा है इस बार लोकसभा क्षेत्र चुनाव के मद्देनजर? फिलहाल मुद्दे तो कुछ नहीं है, फिलहाल की बात क्या है, लोगों को तो एक्चुअलिटी क्या है, लोगों को तो बस अब भाई मारे नहीं आए, मारे नहीं गए। एमपी का जो क्षेत्र है 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कैराना, थाना भवन, शामली, गंगोनापुर, तो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने गांव है नहीं जा पाते। जो काम माल्य प्रधान का है, जो काम विधायक का है, जो काम ब्लॉक प्रमुख का है, और जो काम बीडीसी मेंबर का है, और या जो काम विधायक का है, तो लोग बाग नु सोच रहे भाई नाली खराब हो रही है, आगे एमपी बना दे या मोदी बना दे, तो उसकी अपेक्षा कैसे करोगे आप, उसकी आप कैसे करोगे, हर चीज भाई आवे काम तो प्रधान का, मतलब जिस काम की जिम्मेदारी जिसकी वही वो काम कर। बिल्कुल बिल्कुल, जब गांव में काम तो प्रधान का, और नू चाह रहे भाई या सवरिया जो नाली है या आके एमपी एमएलए बना होगा हमारी, तो उस बात की तो बढ़िया नहीं है। प्रधान कहे के वास्ते बना तो हटवा दी जा, या ब्लॉक प्रमुख सब हट जाए, बिल्कुल सारे तरह बकाली एक जना रह जाए वही करेगा सारे काम। तो मेन मसला क्या है कि मल्ले विधायक है, दो योजना से विधायक है, तो विधायक का अपना काम है, एमपी काम तो बहुत बाद का है, एमपी काम तो पूरे कंट्री का है, तो मतलब मिनिस्टर है, सेंटर मिनिस्टर हैंगे तो उनका काम तो बाद के आएंगे, तो लेकिन मतलब लोगों की अपनी सोच है, लोग बाग अपने उसी लेवल पे सोच रहे हैं, उससे फालतू सोचते नहीं। जातिवाद से बियॉन्ड उठकर हमें बातें करनी चाहिए, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जातिवाद का बढ़िया बात नहीं है। ठीक है सर जी, आप भी कुछ कहेंगे? मैम आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव पर? ठीक है, तो ये बस जो है कैराना से शामली जा रही है, कैराना से शामली की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 10 से 12 किलोमीटर है, और हमने इस बस में बैठे हुए तमाम यात्रियों से यही जानने की कोशिश करी कि अब से कुछ घंटे बाद जो पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल के को लेकर जो मतदान होना है उसके मद्देनजर उनकी राय क्या है, और कौन से उम्मीदवार को वो ज़्यादा मजबूत पाते हैं बनिस्बत दूसरे उम्मीदवारों के। तो ये यहाँ पर यही देखने में आ रहा है कि तमाम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएँ हैं। किसी की राय यह है कि प्रदीप चौधरी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो ज़्यादा मजबूत हैं, कहीं कहीं इकरा हसन को लेकर भी समर्थक जो है नज़र आ रहे हैं, उनके समर्थन में लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि जब तक 4 जून को मतपेटियां नहीं खुलती हैं तब तक कुछ भी कहना चल पाती है। कैमरा पर्सन राम बहादुर के साथ मैं जुबैर खान, पीटीसी न्यूज़ कह रहा हूं।